बुलडोजर की बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप, योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? योगी जी का बुलडोजर केवल फॉरवर्ड के लिए चलता है, बैकवर्ड के लिए नहीं चलता है। क्या मांग करते हैं बुलडोजर को लेकर? बुलडोजर हमारी सरकार हमारे लोगों के लिए गुंगी भरी हो गई है। और आज जो न्यूज चैनल के साथ मैं रमेश मौर्य इस समय जनपद आजमगढ़ के मुख्यालय पर हूँ। आजमगढ़ जनपद के अहिरौला थाना अंतर्गत पारा गांव में 15 जून को एक हत्या होती है इंद्रपाल मौर्य और शकुंतला देवी की, और उस हत्या के बाद लगातार 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक उस हत्या का सही रूप से खुलासा नहीं हो पाया है, ना तो जो मुलजिम है, जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। आज उस गिरफ्तारी की मांग को लेकर, कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरने पदमार्च करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये लोग, आपको बता दें, साथ में जन अधिकार पार्टी की टीम है जिला अध्यक्ष के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की टीम है, तो वहीं प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के जिला अध्यक्ष समेत पूरी टीम यहां पर है। आप सुन सकते हैं ये नारे जो पीछे लग रहे हैं, हत्यारों को गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, न्याय दो, न्याय दो। मैं लोकतंत्र की बात करूं तो यह आजमगढ़ के प्रशासन की यह बड़ी लापरवाही रही है। यहां के अभी मैं पीड़ितों की बात करूंगा, उनके जिनके माँ बाप की हत्या हुई है, वो बच्चे अनाथ हुए हैं, और जिन्होंने उन्हें अनाथ बनाया है वो आखिर कितने बड़े बाहुबल हैं कि आज तक अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, जन अधिकार पार्टी के नेतागणों से बात करेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं, धरने में शामिल हैं। मैं आपको बातचीत कराता हूँ कि आप क्या मांग है सर, क्या आज ये पैदल मार्च? हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए, बच्चों को एक नौकरी और आर्थिक सहयोग दिया जाए। इतने दिन हो गए, 4 महीने हो गए, खराब होती है और वो जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद बनारस के लिए रिफर होता है, तो अभी तक यह क्रमिक अनशन जो चल रहा हो कब तक चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह क्रमिक अनशन चलेगा। हम और बृहद रूप में इस कार्य मांग करेंगे और हड़ताल करेंगे। आप वो बच्चे कितने साल के हैं, कितने बड़े हैं, क्या चीजें हैं? 18, 20, 22 साल के बच्चे हैं। अभी उनके लिए कोई सहयोग नहीं मिला, उस बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, और अभी तक कोई भी हत्यारा पकड़ा भी नहीं गया। घटना के 3 दिन बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी इनके घर आते हैं और आश्वासन मिलता है 25 लाख रुपए का त्वरित कार्रवाई करने का, उनको गिरफ्तार करने का। उस पर क्या कार्रवाई? वो तो यहाँ उपचुनाव चल रहा था, उपचुनाव के चक्कर में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य जी को भेजा और जो आश्वासन देकर गए, अभी तक कोई भी आश्वासन उनका पूरा नहीं हुआ। आप देखिए यह लंबी भीड़ है, जन अधिकार पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद, ऐसे कई संगठन, आज 11 संगठन मिलकर यह पद यात्रा, यह पद मार्च जो है निकाले हुए हैं आजमगढ़ के मुख्यालय पर न्याय की मांग को लेकर। लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी कहाँ है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कहाँ हैं, यहाँ के DM और SP कहाँ हैं, यहाँ के सांसद और विधायक कहाँ है जो बात करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ है जो बात करते हैं, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। तो आज यह आजमगढ़ जिले के पारा गांव में जो हत्यारे, जो गुंडे किस्म के लोग आज इन बच्चों को अनाथ बना दिए, वो आज हत्यारे घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन गूंगा बहरा क्यों बना है और उनका इलाज कब तक होगा, ये हम आप तक पहुँचाएंगे। कार्रवाई कब पुलिस करती है, कब यहाँ के पुलिस जो है खुलासा करेगी, अभियुक्तों को गिरफ्तार करेगी, कब शासन द्वारा बच्चों को जो है न्याय दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक न्यूज चैनल के साथ। मैं रमेश मौर्य, नमस्कार।